के सिवा दुनिया में रखा क्या है। खवातीन थोड़ी सी कई जगहों पे दे नीड प्रोटेक्शन। आई लव पाकिस्तान, इज माई कंट्री, बस हम अगर लॉ को फॉलो करें ना यहाँ पे तो इससे बेहतरीन जगह नहीं है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगो जाए। पाकिस्तान में काम आर्ट में हमारे मुल्क में जो जिस खूबसूरती से हो रहा है हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं अगर पेंटर ना होती तो मैं मेकअप नहीं कर सकती, मेकअप आर्टिस्ट भी ना होती। हमारा मौशरा जो है वो औरत से ज्यादा एक्सपेक्ट करता है कि आप में बर्दाश्त ज्यादा होनी चाहिए। यूं ना था मैंने फकत चाह था यूं हो जाए मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मां। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम V2 के साथ मैं हूं आपके होस्ट रिमशा अवान। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ शख्सियत, जो मेरे साथ लेडी मौजूद है, उन्होंने फ़नून लतीफ़ा के ज़रिए वुमन एम्पावरमेंट को शो किया और अपने ख्यालात का इजहार अपनी पेंटिंग के ज़रिए किया। फ़नून लतीफ़ा तो इट्सेल्फ बहुत ही वर्सटाइल और बहुत ही वास्ट फील्ड है, और अगर उन सबको मिला के समअप करना चाहें, और अगर मैं कहूँ कि उन सबको मैंने समअप कर दिया है और एक शख्सियत या एक लेडी बनी है, तो आज की मेरी मेहमान वो लेडी हैं जिन्होंने फ़नून लतीफ़ा को, कहते हैं दरिया को एक कुएं में बंद कर दिया, तो उन्होंने वाकई फ़नून लतीफ़ा को बहुत ही ज़्यादा समअप किया और इसके ज़रिए वुमन एम्पावरमेंट को शो किया और दीगर औरतों के मसाइल पर रोशनी भी डाली है। चलें वेलकम करते हैं आज की गेस्ट को, मैम माहम गुल को। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी? अच्छा मैम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया। दूसरा मुझे ये बताएं कि किस तरह रुझान पैदा हुआ कि मुझे पेंटिंग की तरफ जाना है या मुझे फ़नून लतीफ़ा की तरफ जाना है, और फिर उसमें इतना क्रिएटिविटी कैसी आई? पेंटिंग की तरफ रुझान पेरेंट्स की वजह से आया। अच्छा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आप ऐसे नहीं, जैसे हम लोग अक्सर मैथ्स चेंज करके तो साइंस रख लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं, ये आप ऐसा सब्जेक्ट है कि हर कोई ले नहीं सकता, ये आपके ब्लड में होता है। अच्छा, तो मुझे इनहेरिटेंस है पेरेंट्स की तरफ से, वालिद साहब भी इसी फील्ड से थे, वालिदा भी इसी फील्ड से थी। ओके जी, तो फिर आपका शुरू से ही इंटरेस्ट रहा? आँख खोली थी रंगों में। अच्छा। और फिर होश संभाला नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। अच्छा, वालिद साहब को काम करते देखा, उस्तादों में बचपन वहीं खेल के गुजरा, तो वो चीज बचपन से अंदर थी, ड्राइंग्स करती रहती थी क्लास में बैठ के। ओके ओके जी, तो फिर आपको ये लगा कि अब मुझे पेंटिंग की तरफ जाना चाहिए? जी, कुछ टेक्निकल माइंड नहीं था, क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा था, जैसे बहुत ज्यादा तख्लीकी दिमाग था। यू नो, क्लास में भी फारिक टाइम में ब्रेक में मैं ड्राइंग कर रही होती थी, क्लास में स्टूडेंट्स को अपनी क्लास फेलोज को बिठा लेती थी। अच्छा। और उनको मैं पेंट करती थी या ड्रॉ करती थी, तो बस वो ड्रॉ करते करते कुछ भी नहीं मिलता था तो मैगजीन्स में से उठा के फिर यही लगा कि इसी तरफ जाया जाए। ओके, अच्छा फ़नून लतीफ़ा बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत सारे जो कवर करती है, बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स को अपने अंदर समेट लेती है, किस तरह कितना मुश्किल होता है फ़नून लतीफ़ा के ज़रिए अपना मैसेज बड़े खूबसूरत अंदाज से जिस तरह आप लोगों तक पहुँचाती हैं और आप पहुँचा रही हैं, कितना मुश्किल है? देखिए, नॉर्मली भी अगर हम इंसान हैं, हमें कोई अगर कोई भी फीलिंग होती है तो हम बात करके उसका कैथारसिस करते हैं। ओके। जब तक हम उसको अपने अंदर से निकालेंगे नहीं अपनी फीलिंग को जी, तो हमें एक ज़रूरी नहीं आप आर्टिस्ट हों, लेकिन अगर आप अपने अंदर की फीलिंग को ना निकालें तो आपको तकलीफ शुरू हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो मैं समझती हूँ हम बड़े लकी हैं कि हमें पेंटिंग एक ऐसा मीडियम है कि अक्सर आपने देखा होगा कि कई जगहों पर पेशेंट्स को भी बताया जाता है कि आर्ट थेरेपी करवाएं। तो आर्ट एक ऐसी चीज है कि उसमें जैसे एक पोइट है वो अपने अंदर की चीज को कह के लिख के निकालते हैं, कुछ लोग गाते हैं, अगर आप गाएंगे और उसमें आपकी फील नहीं होगी तो गाने में आपका सुर नहीं सही लगेगा। इसी तरह ही पेंटिंग एक ऐसा फन है कि अगर जो आप फील कर रहे हैं, अगर आप जो महसूस कर रहे हैं उसको अगर आप कैनवस पे नहीं निकालेंगे तो आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाते। दो तरह का आर्ट होता है, जैसे एक कमर्शियल आर्ट होता है, जैसे आप मुझे कहती हैं कि मैं आपको पेंटिंग बना दूं या आपके ड्राइंग रूम में मैच करे, वो दैट इज कॉल्ड कमर्शियल आर्ट। बट आर्ट वो होता है मेरे हिसाब से, जो असल आर्ट है वो होता है जो आपके अंदर से निकलता है, जो आप फील करते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वो बना के आपको जो तस्कीन होती है, दैट इज कॉल्ड आर्ट। अच्छा मैम, आपने पाकिस्तान के बजाय बैरून मुल्क में बहुत ज्यादा नाम कमाया,
कितना मुश्किल था पाकिस्तान में रह के आज की लड़की के लिए बहुत मुश्किल है, और वही पाकिस्तानी लड़की जब बाहर के मुल्क चले जाती है और फिर वो अकेली जाती है, ये भी नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि माम अकेली गई थी अपने दो बच्चों के साथ, कोई भी साथ नहीं था, तो कितना मुश्किल रहा वो सफ़र, और फिर माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा नाम बाहर कमाया, तो उस सफ़र के बारे में बताइएगा। सफ़र देखिए हम लोगों ने एक बनाया हुआ है कि हम लोग अपने हमारे मुल्क में ये एक चीज़ है अनफॉर्चुनेटली कि ख्वातीन थोड़ी सी कई जगहों पे दे नीड प्रोटेक्शन। मुझे मेरी नेचर में है कि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब आप एक जगह पे बैठे आप एक चीज़ कर रहे हैं मुसलसल आप वो करते रहेंगे ठीक है, जब तक आप कुछ भी अपने साथ डेयरिंग नहीं करते ना, कुछ भी आप किसी चीज़ में आप हाथ नहीं डालते तो आप आगे बढ़ नहीं पाते, आपको स्टॉप लग जाता है। तो मेरी फैमिली बाहर थी सारी वैसे तो, अच्छा, लेकिन अच्छा। मैंने किसी से हेल्प नहीं ली और कुछ मॉरल गाइडेंस थी मेरी सिस्टर की और सारा, बट मैंने अपना बोझ खुद ही उठाया और मैंने वो मुल्क ऐसा है कि वो औरत को बहुत तहफ़ देता है। अच्छा। आप वहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर लॉ बहुत है, मतलब आई लव पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, बस हम अगर लॉ को फॉलो करें ना यहाँ पे तो इससे बेहतरीन जगह नहीं है रहने के लिए, लॉ को अगर हम फॉलो कर लें तो वहाँ पे सिर्फ लॉ की वजह से वो ऐसे ममालिक थोड़े से आगे हैं और वो लॉ आपको आपको हर चीज़ एक सिस्टम में है, तो मुश्किल थोड़ा सा था शुरू में बच्चों के साथ एक नई जगह को समझना एक नई, लेकिन रास्ते खुलते चले गए अगर आप अपनी आंखें खुली रखें और आप अपना लॉ को किसी भी कंट्री में आप जब जाते हैं आप अगर उनके लॉ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं एंड यू गो थ्रू द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर हेल्पिंग न्यू इमिग्रेंट्स देन यू आर सक्सेसफुल, बट इफ़ यू गो थ्रू द लोकल पीपल एंड यू आस्क देयर असिस्टेंस देन देयर इज़ अ ट्रबल। बाहर जाके तो बाजू का तो उन लोगों को कन्विंस करना कि पेंटिंग के ज़रिए वो मैसेज लें, क्योंकि पाकिस्तानी ने पाकिस्तान में आपने रह के पेंटिंग की, सीखी भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लोगों से सीखी, डिफ़िकल्ट कल्चर में डिफरेंट एक कल्चर था और डिफरेंट डिफ़िकल्ट ये था चीज़ के उस कल्चर को समझ के उस तरह की पोर्ट्रे करना, उन्हें बताना कितना मुश्किल था, और फिर वहाँ जाके आपने स्पेशल कोर्सेज की, स्पेशल क्लासेस ली, उस सफ़र के बारे में भी बताइएगा। पहले तो किसी भी कंट्री में आप जब जाते हैं तो एक साल तो आप अपना कुछ नहीं कर सकते, आपको एक साल मेरा भी इसी तरह ही था, एक साल मेरा सिर्फ उनके लॉ को समझने में लग गया, ड्राइविंग सीखने में लग गया, क्योंकि अगर आपको उस गाड़ी नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते और वो भी दो बच्चों के साथ, तो ये एक साल मुझे लगा टू गेट एस्टैब्लिश, बट मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने वहाँ की आर्ट गैलरीज विजिट की, मैंने देखा कि वहाँ क्या हो रहा है, बट जो पाकिस्तान में काम आर्ट में हमारे मुल्क में जो जिस खूबसूरती से हो रहा है, हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम समझते हैं कि यू नो बैरून मुल्क ज़्यादा, लेकिन हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं। मैंने यूनिवर्सिटीज़ में भी वहाँ पर काम देखा, मुझे बाकी मुल्कों का तो नहीं पता, हो सकता है कुछ लोग इख्तलाफ करें, जैसे लंदन यूके यूएसए में आई डोंट हैव नो आइडिया, बट इन कैनेडा जो मैंने जो एनालिसिस किया जो हमारे यहाँ पे काम हो रहा है वो बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, तो उससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हम बिहाइंड नहीं हैं। ठीक है, फिर मैंने आर्ट एग्जीबिशंस वहाँ पे की मैंने, बट आर्ट सफ़र किया वहाँ, क्योंकि जो हमारी एक मार्केट है जो हमारे लोगों में जौक है वो नहीं था, जारी बात है ऑडियंस ही नहीं थी, देखो ऑडियंस नहीं थी, फिर जिस सिटी में मैं गई वहाँ पे ज़्यादा सीरियंस ले लिए गए थे क्योंकि वो टोरंटो से 3 आवर्स की ड्राइव पे था और वो बेचारे सीरियंस थे, दे वर इन अ काइंड ऑफ अ सेटलमेंट, तो दे वर नॉट विलिंग टू बाय द आर्ट, थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लगा मुझे, डिप्रेशन भी हो गया था कि मैं तो इतना एग्जिबिट करके आई हूँ, फिर वही बात है कि फनून लतीफ़ा की कोई एक शाख नहीं है, मैंने अपनी उस चीज़ को कि मैं कैनवस पे मैं पोर्ट्रेट्स करती थी मैंने उसको तरजीह दी रियल फेसेस के ऊपर पेंट करने पे, एंड आई स्विच टूवर्ड्स एक्सीडेंटली, इट वॉजेंट अ प्लान्ड बट आई एक्सीडेंटली वेंट टू अ कॉलेज इन विंडसर सेंट क्लेयर कॉलेज एंड आई आस्क फॉर सम कोर्सेज के आप मुझे बताएं कि कुछ अपनी डिग्री को मैं अपग्रेड करूँ आर्ट में, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं, तो दे सेट के एक चीज हो रही है मेकअप आर्टिस्ट्री, अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा क्लोज लगा वो पेंटिंग के, क्योंकि मेकअप वो हम जिस तरह कैनवस पे एक पोर्ट्रेट हम करते हैं ये आपने फेस पे करना है, सिर्फ टूल्स का फर्क है, तो उस पे मैंने फिर स्विच किया। कितना मुश्किल था कि पेंटिंग से फिर मेकअप पे आ जाना, और फिर हमारे पाकिस्तान में तो मेकअप को या फिर ये हल्का फुल्का मैंने मेकअप कर लिया या ब्राइडल मेकअप हो गया या पार्टी मेकअप हो गया ये मेकअप समझा जाता है और यही कंसीडर किया जाता है, आपने जो मेकअप सीखा या फिर आपने पोर्ट्रेट किया उस मेकअप को क्या कहते हैं और उसके ज़रिए किस तरह फिर आपने आगे अचीवमेंट्स हासिल की?
मैंने एक चीज देखी थी कि जब मैं कॉलेज में गई थी तो मेरे से ज्यादा ट्रेंड लोग वहाँ मौजूद थे जो कि प्रोफेशनल्स थे। मैंने कभी भी मेकअप नहीं किया था उस तरह से, बस मैं काजल लगाती थी, मुझे कोई कुछ नहीं पता था, लेकिन मुझे कलर सेंस थी, मुझे मिक्सिंग, मुझे बैलेंसिंग, मुझे कॉम्पोजिशन फाइन आर्ट्स पढ़ने की वजह से, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया था पेंटिंग में और मैं पोर्ट्रेट पेंटर थी, तो रंगों में क्योंकि बचपन गुजरा था। और जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे पहले दिन तो मुझे लगा मे बी मैं फेल हो जाऊँ, और जब टीचर ने क्लास में पूछा कि इज देयर एनीवन हु डजंट नो व्हाट इज कंसीलर, तो आई रेज माय हैंड, तो शी आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, मैंने कहा लेट्स सी। देन नेक्स्ट डे व्हेन शी टुक आउट द कलर व्हील एंड उसने कलर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए तो वो सिर्फ मुझे पता थे। तो उस वक्त उस खातून ने एक बात की थी कि आप शायद सबसे आगे जाओगे क्योंकि आपकी बुनियाद रंगों में कंपोजिशन, और मैं ये समझती हूँ कि मेकअप अगर अभी भी किसी ने अगर मेकअप करना है तो वो पहले फाइन आर्ट्स पढ़े, अच्छा पहले पेंटिंग करे। मैं अगर पेंटर ना होती तो मैं मेकअप नहीं कर सकती, मेकअप आर्टिस्ट भी ना होती। तो मैम एक लड़की को, एक सिंपल सी लड़की है आपके सामने खड़ी है, अब आपने उसे वुमन एम्पावरमेंट में चेंज करना है मेकअप के थ्रू, तो आप किस तरह करेंगी, आप हमारे व्यूअर्स को कैसे दिखाएंगे कि कैसे आप चेंज कर सकती हैं? देखिए यही कॉन्सेप्ट हमने पाकिस्तान में चेंज करना है कि अक्सर लोग आके कहते हैं कि मेरे रिंकल्स नजर नहीं आने चाहिए। अच्छा, यू नीड टू ट्राई टू एम्ब्रेस योर स्किन, यू नीड टू ट्राई टू एम्ब्रेस योर कलर, यू नो। हमारी खवातीन को गोरा होने का शौक है, हम मेकअप गोरी चिट्टी हो जाए मेकअप से तो वो मेकअप सही है। जबकि बाहर मैंने जो देखा है वो लोग टैनिंग सलोन्स में जाते हैं, हमारे रंग को ब्यूटी समझा जाता है वहाँ पे। ओके ओके। और हमारा कलर बहुत खूबसूरत कलर है हम लोगों का, साउथ एशियन का, ना हम बहुत काले हैं ना हम बहुत गोरे हैं, हम एक बड़ी खूबसूरत व्हाइटिश टोन में है। और बड़ी ही सैड बात है कि पाकिस्तान में सिंस आई केम बैक मैंने ये देखा कि लोगों को बहुत होता है कि हमारी ये चीज मतलब यू नो बिल्कुल हमें एक पेस्ट्री बना दें, पेस्ट्री बिल्कुल तो केक, केकी, केक केकी बना दें, तो हम अगर अपनी अंडरटोन को समझ के अपनी टोन में रहें, तो मेरे पास अगर कोई आता है तो मैं कहती हूँ आप दिखने चाहिए, मैं आपको फ्लॉलेस कर दूंगी, आपको डिसेंट लुक दे दूंगी, मैं आपको पेस्ट नहीं करूंगी। चले आइए चलते हैं मैं महम के स्टूडियो में और देखते हैं कि वो मुझे कैसा मेकअप करती है और फिर मेरी फाइनल लुक कैसी होती है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैम, चले आइए चलते हैं। Fingers are your best tool, but make sure कि आप sanitize करें हाथों को, जो कि मैंने अभी किया है। और foundation उतनी ही मैं लगाती हूँ जितनी ज़रूरत हो, जितनी चेहरे को ज़रूरत हो। हमारी South Asian जो skin है that is multicolored, एक tone में नहीं है, बिल्कुल। तो उसके लिए हमें color correction करनी पड़ती है बाज़ औक़ात। जब आप एक्सेस लगाएंगे तो वो फिर आपके मतलब, और स्किन प्रेप करनी बहुत ज़रूरी होती है, पहले आपने सबसे पहले अपनी स्किन को अंडरस्टैंड करें कि आपकी स्किन ड्राई तो नहीं है, फिर उसके हिसाब से आप प्राइमिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो देन यू यूज सीरम्स प्रायर टू द एप्लीकेशन एंड और सैनिटेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब हमें कनाडा में कॉलेज में ड्यूरिंग आर कोर्स जो पहला एक वीक था उन्होंने सिर्फ सैनिटेशन के ऊपर सर्व किया था कि कोरोना तो बाद में आया लेकिन उन्होंने हमें यही गाइड किया कि आपने अपने ब्रश की सफाई, टूल्स की सफाई और इवन मास्क हमें बहुत पहले ही बता दिया गया था बैक इन 2018। ये भी हल्का सा मैंने किया है मतलब ठीक है ना। अब आप दोनों आंखों में अगर फर्क देखिए ना, फील द डिफरेंस, मैंने कहा कि ये ज़्यादा इनहेंस और अच्छी मतलब जिस तरह उभरी हुई आंख होती है और बड़ी बड़ी आंख और ये थोड़ी छोटी छोटी, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना, जैसे डे टाइम मेकअप और होता है, नाइट टाइम और होता है, ठीक है, मतलब एवरी डे का मेकअप जो है वो और है जी, तो हर मेकअप उस हिसाब से होता है। ये तो अभी मैंने जस्ट क्विक एप्लीकेशन, और अब हम मौजूद हैं महम गुल के ये जो है बहुत ही खूबसूरत आर्ट गैलरी है, बहुत ही
बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और एक पेंटिंग जो उन्होंने खुद बनाई है वो क्या मैसेज पोर्ट्रे करना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं मैम, ये पेंटिंग के बारे में बताइएगा। एक तो इसकी कलर डिटेल्स बहुत खूबसूरत है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल रियल है, और इसमें आपने शो क्या मैसेज जो है वो आवाम तक पहुँचाना चाह रही है इस पेंटिंग के थ्रू। इसमें मेरे दोनों जो फ़नून है वो उसकी थोड़ी सी झलक आती है। मैंने मिनिएचर सीखा है अपने वालिद साहब से, उस्ताद बशीर अहमद, तो मिनिएचर पेंटिंग की जो बॉर्डर और डिटेलिंग होती है वो मैं पेंटिंग में भी ले आती हूँ। ओके। और मैंने पेंटिंग में मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, फाइन आर्ट्स कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से, तो पेंटिंग में पोर्ट्रेट्स था मेरा, तो okay. मैं उन दोनों को कंबाइन करके बेसिकली पेंट करती हूँ कि मैं अपने दोनों फ़नून को उनकी अमेलगमेशन से कुछ तख्लीक कर सकूँ। okay. ये इसी वजह से इतनी डिटेल है। अगेन जैसे कि मेरा काम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही है मोस्टली, तो इसमें मैंने वही चीज़ दिखाई है कि एक औरत जो है उसकी चुटिया को आई सिम्बलाइज्ड विद अ बॉन्ड ऑफ स्ट्रेंथ, कि हमारा मुआशरा जो है वो औरत से ज्यादा एक्सपेक्ट करता है कि आप में बर्दाश्त ज्यादा होनी चाहिए, और अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो आपने करना है, तो अगर रिश्ता कोई टूटता है तो वो कहते हैं कि आप बर्दाश्त करती, आप सब्र करती तो वो बच सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई आदमी को नहीं कहता कि तुम झुक जाओ, तुम झुक जाओ। तो ठीक है, मर्द को एक मकाम माशरे में मिला है, वो मुहाफिज है, वो आपका नान नफके का भी जिम्मेदार है, लेकिन हमारे दीन में जितनी रिस्पेक्ट औरत को दी गई है उतनी किसी रिलीजन में नहीं दी गई, और हम लोग कल्चर हम लोग कोई और फॉलो कर रहे हैं बेसिकली, बिल्कुल हम लोग और कल्चर फॉलो कर रहे हैं, हमारे दीन में ये चीज़ नहीं है कि मतलब बर्दाश्त, हमारे उसमें मज़हब में दोनों को दरगुजर और बर्दाश्त दोनों को दिया गया है, रिस्पेक्ट दोनों तरफ से दी गई है, लेकिन आजकल के माशरे में हम औरत को ज़्यादा कहते हैं कि इसी ने कुछ किया होगा, इसी ने किया होगा, यू नो इसी की गलती होगी, कॉम्प्रोमाइज कर लेती, बर्दाश्त कर लेती, चलो मारता ही है ना, कुछ हाँ, नहीं होता, मार खा लेती, घर बचा लेती, और हर जो बच्चों की खातिर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, करती हैं बहुत ज्यादा करती हैं, उसमें कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं कि फिर आप समटाइम्स सिचुएशन इतनी वर्स्ट होती है कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। मैं ये नहीं कहती आप अपना घर तोड़ दें, आप मतलब ब्लंट हो जाएं, लेकिन मेरे ख्याल से लड़कियों को फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है लड़कियों को, और माओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने बेटों को एजुकेट करें, परवरिश उनकी ऐसे करें कि वो एक हेल्दी माशरे में एक औरत की इज्जत को आगे रख के उनको बताएं कि जैसे हमारे घरों में नॉर्मली कहते हैं कि भाई को ये ला दो, भाई को ये कर दो, तो बच्चों लड़कों को भी जिम्मेदारी दें और उनके दिमाग में बचपन से डालें कि दैट्स रॉन्ग। तो ये पेंटिंग बेसिकली ये जो डिपिक्ट कर रही है ये चुटिया और ये जो सर्कल है वो अपने ही भंवर में है, अपनी उलझनों को शो कर रहा है उसकी, लाइक शी इज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक इन दिस सर्कल, एंड उसकी बैक इसलिए है कि वो निगलेक्ट है, निगलेक्ट है उसका अपना आप जो है वो निगलेक्टेड है, तो ये चीज जो है मैं उसको डायरेक्ट नहीं दिखाती, उसको इनडायरेक्ट मैं पेंट करती हूँ जो मेरे इर्द गिर्द की चीजें होती हैं। अच्छा, फैमिली में जब आपने वुमेन एम्पावरमेंट का पे काम किया, फैमिली ब्रॉड माइंडेड थी, उन्होंने सपोर्ट किया फैमिली में से किसी ने कि जो बच्चे कर रही हो वो ठीक कर रही हो, औरत को थोड़ा सा एम्पावर्ड होना भी चाहिए? मेरी फैमिली में मैंने इतनी ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर की ही नहीं, क्योंकि मेरी घर में सीधे साधे सी हैं, मेरी मदर इन लॉ इज़ सो सिंपल, उतना नहीं है उनका उस तरह से, और मेरे मतलब हस्बैंड भी आर्ट से नहीं है, okay. तो ये जब तक मैं बताऊंगी नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग फॉर यू, यू डोंट नो अबाउट इट, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, ये चीज आपके उसमें नहीं है, तो वो उनको इतना आर्ट में नहीं था, मेरे पेरेंट्स को था मगर मेरे इन लॉज को नहीं था इतना ज्यादा, तो दे सी इट एज अ पेंटिंग, दे से के इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल एंड यू आर डूइंग ब्यूटीफुल। अच्छा, किस तरह इनकरेजमेंट मिली काम, मतलब काम तो हम बहुत लोग करते हैं, कभी किसी ने इनकरेजमेंट भी दी, कोई अवार्ड दिया हो? जब मैंने शुरू किया था तो मेरे वालिद साहब का तरीका कार थोड़ा मुख्तलिफ था, यानी कि वो इतना तारीफ नहीं करते थे, उनका कहना यह था कि तारीफ की तो ये काम करना छोड़ देगी। अच्छा, तो वो क्रिटिसाइज ही करते थे स्टार्ट में कि तुमने क्या बनाया, ये 10-10 दफा एक चीज को बनवाना,
स्टूडेंट्स की तारीफ ज्यादा करनी मेरे सामने, मुझे कहना तुम्हें तो कुछ नहीं आता, वो मुझे गुस्सा आता था, फिर मैं और काम करती थी। तो मुझे पता तब चला कि जब एक पेंटर थे कराची से आए हुए थे, उन्होंने पेंटिंग देखी और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा काम जबरदस्त कर रही है। वो कराची ले गए, वहाँ पे वो बिक गई और उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, कोई उनका नाम था शायद टप्पू जवेरी कुछ करके, उनके घर लगी और इस तरह गई, वहाँ से दुबई चली गई। तो अच्छा, थोड़ा अच्छा, सा अंदाजा हुआ। फिर और ऑर्डर आए कि ये कोई लड़की है काम कर रही है। अच्छा, फिर अच्छा। इसी तरह मतलब अल्हम्ब्रा आर्ट काउंसिल की जो सालाना नुमाइश होती थी वहाँ से स्टार्ट लिया। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने मतलब एग्जिबिट करना जब शुरू किया, मतलब मैंने उनके नाम को कभी इस्तेमाल नहीं किया कि मैं उनकी बेटी हूँ, क्योंकि मुझे क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा था। अच्छा। तो काम इस तरह पता चला, कई लोगों को ये पता ही नहीं था कि मैं साद बशीर अहमद की बेटी हूँ। तो मैंने, क्योंकि वो मिनिएचर में थे, मैंने पेंटिंग में किया। फिर कनाडा में मैंने एक आर्ट एग्जिबिशन हुई थी लिविंगटन आर्ट सेंटर में, और वहाँ पे सारे जो थे वो फॉरेनर्स, मतलब वो उनके नॉर्थ अमेरिकन्स थे, एंड आई वाज द ओनली वन हु वाज पाकिस्तानी, एंड आई वॉन थर्ड प्राइज ऑन दिस पेंटिंग। ठीक है। फिर एक आर्ट रेजिडेंसी हुई, उसमें सब ने अप्लाई किया, आई वॉज बींग सिलेक्टेड इन विंडसर। फिर मुझे उन्होंने एज ए एंटरप्रेन्योर बुलाया डिस्कशन के लिए, एक इदारा था विंडसर आर्ट का, विंडसर वुमेन वर्किंग विद इमिग्रेंट वुमेन, यू नो इंस्पायरिंग। फिर इसी तरह ही वुमेन एम्पावरमेंट को ही लेके एक इदारा था टोरंटो का ओकासी, उन्होंने ग्राफिक नावल की वर्कशॉप करवाई थी जिसमें उन्होंने वुमेन को राइट्स बताए थे अपने टू प्रिवेंट हरासमेंट इन कैनेडा, क्योंकि ऐसी हो जाती हैं वहाँ पे भी चीज़ें ना। तो उसके लिए फिर CBC इंटरव्यूड मी, एंड वो उसके लिए फिर मैंने वो उसमें इट वॉज अ कोलैबोरेशन बेसिकली, और कोलैबोरेशन में फिर मैं उसमें इतना आगे निकल गई बातचीत करने में और बुक लॉन्च में कि दे पुट मी अप फ्रंट के भी आप बात करें बुक लॉन्च पे। तो दैट वर सम अचीवमेंट, एंड देन आई वॉज बींग कॉल्ड एट YMCA इन सार्निया टू कंडक्ट एन आर्ट वर्कशॉप ऑन एंटी रेसिज्म, दैट वॉज वन बिग प्रोजेक्ट आई डिड। एंड इसी तरह ही फिर मैं प्रोजेक्ट करती रही, देन आई स्विच टू मेकअप। Okay. Then makeup में then I went on peak in my city. Like I was the only one जो के जिसके पास सारे North Americans थे। Okay, okay. जी। अच्छा last में मैम आप, मैंने सुना भी है और मैंने बहुत से लोगों से सुना भी है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो अगर कोई गाना ऐसा सुना दें, मतलब हमारी जो भी viewers देख रहे हैं उनके लिए कोई अच्छा सा song dedicate करें तो कौन सा करेंगी? गाना अच्छा मैंने सीखा नहीं हुआ, लेकिन आई पार्टिसिपेटेड अ लॉट इन ड्यूरिंग माय यूनिवर्सिटी टाइम। वन बिग थिंग वी डिड वाज फॉर प्रेसिडेंट मुशर्रफ, वी देयर वाज इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन इन गवर्नर हाउस एट दैट टाइम 2006, द गवर्नर मकबूल वाज द वन हु वाज देयर, एंड हमने उनके लिए भी गाया था। तो कुछ गलतियाँ तो गलतियाँ बहुत हैं, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। मैंने समझा था कि तू है तो दरक्षा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, मेरे महबूब ना मां। बहुत
याकूब मैम आपने बहुत ही प्यारा गाना गाया और लिटरली वो गाना जिस तरह फील नहीं हो जाती वो फील थी। मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ काफी ज्यादा क्योंकि ये तो बड़ा एक अगेन वास्ट है, इसमें तो बड़ी रियाज की जरूरत है, तो मैं रियाज में नहीं हूँ इतनी, तो बहुत गलतियाँ अगर किसी को लगी हैं तो माजरत। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें बहुत ज्यादा अपना कीमती वक्त दिया और आई लिटरली इनवाइट योर वॉइस एंड आपके काम की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। और थैंक यू सो मच फॉर द मतलब आप सोसाइटी के लिए जो कर रही हैं, वुमन एम्पावरमेंट के लिए जो कर रही हैं, उसका भी मेरे ख्याल में कोई जवाब नहीं है। अभी मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं काश कुछ कर सकूं, एक मैसेज देना, एक इस तरह से जमालियाती उसमें तख्लीकी चीज़ें करके तो वो एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ करना जी, अल्लाह ताला कुछ इस तरह का सबब बनाए कि कुछ प्रैक्टिकली भी कर सकें इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर यू फॉर योर फ्यूचर गोल्स एंड जो भी आपने सोचा है अल्लाह पाक उसे पूरा करे। और इसके साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और बहुत ज़्यादा मतलब हमें फ़नून लतीफ़ा को करीब से देखने का मौका मिला। और इसके साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए, सेफ रहे, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।